जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शहपुरा गैस प्लांट के पास मंगलवार देर रात ट्रेन के मालगाड़ी के दो वैगन, आपको बता दें कि पटरी से उतर गए। वैगन में एलपीजी भरी हुई थी। जबलपुर स्टेशन से रेल अधिकारी कर्मचारी दुर्घटना राहत ट्रेन से घटनास्थल पहुंचे। मालगाड़ी के रिवर्स होते समय दोनों वैगन पटरी से उतर गए थे। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जहां ये दुर्घटना घटी थी उसके ठीक सामने पेट्रोलियम के डिपो हैं और इनमें लाखों लीटर एलपीजी, पेट्रोलियम, केरोसिन और डीजल का स्टोर है। हालांकि घटना के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू हो गया है और पूरी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन घटना क्यों घटे इस मामले में अभी रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं घटना के बाद जबलपुर रेल मंडल के कंट्रोल कार्यालय से आला अधिकारी मौके पहुंचे और जांच प्रारंभ कर दी है। जांच में टेक्निकल डिफेक्ट सामने आ रहा है, इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। गैस डिपो प्रशासन का कहना है कि 2 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट दे दी जाएगी और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और जब एमकेएन न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो जांचकर्ता अधिकारियों ने बात करने से मना कर दिया और जवाब देने में टालम टोल करते नजर आए। तो ये आप देख सकते हैं जहां दो डब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। तो ये जबलपुर की घटना है जहां आप देख सकते हैं इन टैंकरों में, आपको बता दें कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरा हुआ है और किस तरह से ये जो दो डब्बे हैं पटरी से उतरे हैं फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजेश शुक्ला जुड़ चुके हैं। राजेश, कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, चाहे उड़ीसा की बात की जाए या किसी अन्य स्टेट की बात की जाए। हम देख रहे हैं कि ट्रेन जो है वो अक्सर पटरियों से उतर रही है। 2-3 दिन में हमने इस तरह के मामले भी देखे हैं सामने, एक बार फिर जबलपुर में इस तरह की घटना सामने आई। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति और कैसे ये हादसा हुआ? मैं बता दूं आपको कि अभी जबलपुर मंडल में ये कल रात में 2 घटना एक साथ घटी हुई है। ऐसी ही घटना सेम एक कटनी में घटी हुई है और दूसरी घटना ये पेट्रोलियम भारत के समीप वेटोनी में घटी हुई है। और सबसे बड़ी बात खासियत तो ये थी कि इसकी अभी अधिकारी जांच करके निर्णय नहीं पहुंच पा रहे हैं कि घटना कैसे घट रही है। पटरी से गाड़ी इंजन के साथ से चिकन वाला बोगी लगा हुआ था, उसको कैसे उतर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो शहपुरा में ये बहुत बड़ी घटना कल जाने वाली बात है, क्योंकि लाखों लीटर एलपीजी गैस से भरे हुए रेलवे 2 बड़े डिब्बे शहपुरा पटरी से उतर गए। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बच गया था। घटना देर रात की थी, लोगों को डर इस बात का था कि जहां यह दुर्घटना घटी थी उसके ठीक सामने पेट्रोलियम के डिपो भी हैं। इसमें लाखों लीटर एलपीजी, पेट्रोल, क्रोसिन और डीजल का स्टोर है। लेकिन घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और राहत कार्य शुरू हो गया था। फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी थी और स्थिति पूरी नियंत्रण में थी। लेकिन घटना क्यों घटी इस मामले में अभी रेलवे की ओर से कोई अधिक बयान नहीं आ रहा। जी राजेश, अगर बात की जाए तो ये उस वक्त की घटना बताई जा रही है जिस वक्त ये जो मालगाड़ी है वो गैस खाली करने के लिए जा रही थी और उस समय ये घटना हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो किस तरह से, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी सामने आई आपके पास कि अभी फिलहाल वहाँ क्या कुछ स्थिति, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहाँ से अन्य ट्रेनें भी गुजरती, तो क्या अन्य ट्रेनों का जो संचालन है वो नॉर्मल तरीके से हो रहा है? नहीं, यह जो ट्रेन जो गैस खाली करने के लिए गई थी ये अलग से लाइन बिछी हुई गई थी, पेट्रोलियम के अंदर गैस प्लांट के अंदर बिछाई जा रही थी, जो शेडिंग करने के लिए अलग से गैस खाली करने के लिए लाइन रहती, इसलिए मेन लाइन से ये अलग थी, इसलिए रेल कोई ट्रेन को इससे प्रभावित नहीं हुई। जी अगर बात करें राजेश, तो इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है कि कैसे यह हादसा हुआ और फिलहाल कब तक रिपोर्ट सामने आएगी इसकी कि किसकी लापरवाही थी इसमें? अधिकारियों का कहना है कि अभी 2 दिन के अंदर हम जांच कर रहे हैं, हमारी टीम यहां पर पहुंच चुकी है और जो अधिकारी कर्मचारी यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। जी राजेश, धन्यवाद आपको इस खबर पर जानकारी के लिए। तो ये देख सकते हैं घटना जबलपुर में रात की है, जिस समय इस टैंकर को खाली करने के लिए लेके जाया जा रहा था उस समय ये टैंकर जो है 2 पटरियों से उतर गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों का कहना है कि
घटना की जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। और आपको बता दें कि जिस जगह पर ये घटना घटी है उस जगह पर फिलहाल रेलवे का परिचालन जो है, गाड़ियों की आवाजाही जो है वो नॉर्मल तरीके से हो रही है।